मध्य प्रदेश में सांवेर उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। सांवेर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अब एक नया नारा दिया है। घड़ी आई है सांवेर के इम्तिहान की, यह लड़ाई है साधु की और शैतान की। इस नारे के मुताबिक बीजेपी ने खुद को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो साधु बताया है, लेकिन कांग्रेस को शैतान की संज्ञा दे दी है। बीजेपी ने इस उपचुनाव के क्षेत्र को साधु और शैतान की लड़ाई बताया है। इस सबको देखकर कांग्रेस आग बबूला हो गई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई। इस सबको देखते हुए आज भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर और प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि इस नारे में ना किसी व्यक्ति का नाम था और ना ही किसी पार्टी का, पर सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक मानने का शपथ पत्र देने वाली कांग्रेस खुद को शैतान मानते हुए इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। इन दो ब्यूरो राकेश सचर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को बहुत शालीनता के साथ लड़ना चाहती है। हम चाहते हैं कि अपने विवेक का उपयोग करते हुए सांवेर के मतदाता को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मतादेश, अपना जनादेश जिस भी प्रत्याशी या जिस भी पार्टी के पक्ष में दे, उसको भय, दबाव और प्रलोभन से मुक्त होकर अपने विवेक का उपयोग करके मतदान करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। पर कांग्रेस के मित्र जैसी की माननीय जिलाध्यक्ष राजेश जी ने आशंका व्यक्त करी है कि शुरू दिन से इस चुनाव में अराजकता का वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। राजेश भैया ने सारी घटनाओं का वर्णन कराया, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। इंडेक्स कॉलेज के अंदर मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने सीमा तय करी थी, दिनांक 7 तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया जारी। इंडेक्स कॉलेज पर जिस प्रकार से जाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जी ने अराजकता उत्पन्न करी है, वहां पर कार्यरत छात्राओं के साथ अभद्रता करी है, वो सारा घटनाक्रम चूंकि आज के पीसी का विषय नहीं है, पर मैं केवल जिलाध्यक्ष जी के विषय को आगे बढ़ा रहा था। तो मूल बात यह है कि हम इस पूरे चुनाव को सांवेर के मतदाता का चुनाव मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मान्यता है कि ये जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के अंदर जय और पराजय करने का सर्वाधिकार वहां के 28 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के पास सुरक्षित है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के पास केवल इतना कार्य है कि वो मतदाता का अंकेक्षण उनके पक्ष में किस प्रकार का हो अपना विषय वहां तक रखे। और जहां तक सांवेर का प्रश्न है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी सीट पर है और जिलाध्यक्ष जी की ये सीट है सांवेर। सांवेर में भी भारतीय जनता पार्टी शालीनता के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अब आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता है उसका मुख्य विषय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैं स्वीकार करता हूं कि हमने पोस्टर भी लगाया, मुख्यमंत्री जी की सभा में भी हमारा पोस्टर लगा था। सभा तो नहीं बोल सकते, जो हमारी कार्यकर्ता बैठक थी भैया उसको, वो चूंकि अब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास इतना विपुल मात्रा में हो गया कि हम बैठक भी करते हैं तो सम्मेलन का स्वरूप आ जाता है। तो उसमें भी हमने जो पोस्टर लगाया था, उस पोस्टर में हमने लिखा था कि ये घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की, ये लड़ाई है साधु की और शैतान की। वो शक्ति जो होती है वो सदाचारी होती है। अगर त्रेता में ताड़का थी तो त्रेता में ही शबरी भी थी, तो शबरी सात्विक थी, ताड़का कामची थी। रामत्व है तो रावण भी पाया जाता है, अगर कंसभाव आता है तो धरा पर कृष्ण का भी अवतरण होता है। तो समाज में हमेशा से सज्जन शक्ति होती है और दुर्जन शक्ति भी होती है। अब इस दुर्जन शक्ति और सज्जन शक्ति के बीच का अंतर करने का जो निर्णय का अधिकार होता है वो सदैव भारत की समाज रचना को रहा है। भारत का समाज तय करता है कि कौन व्यक्ति सात्विक है, कौन व्यक्ति तामसी है। भारत का समाज तय करता है कि कौन व्यक्ति जो है जनप्रतिनिधि के रूप में अनैतिक कार्यों में लिप्त है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारा जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। तो हमने तो केवल इतना सा कहा कि लड़ाई है साधु और शैतान की और ये घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की। अब सांवेर के मतदाता इस बात का निर्धारण करेंगे। हमने तो कहीं नहीं कहा कि हम साधु हैं और हमने तो राय बराबर भी नहीं कहा कि आप शैतान हैं। आप ही थाने में खर्रा लेकर चले गए कि हम शैतान कहा हमको, मतलब आपने अपनी शिनाख्ती परेड खुद करा दी।
मेरे पे तो 33 मुकदमे लगे, 32 बार से अधिक बार जेल गए हूँ। जेल के अंदर जाओ राजनीतिक मुकदमों में तो वो निशान पूछते हैं कि मनी भैया आप तो क्राइम भी देखते रहे कि निशान बताओ, तो चिन्ह लगाते हैं। तो सदाशिव यादव जी ने जाकर मेरे खिलाफ जैसे ही शिकायत दर्ज करी है तो उन्होंने निशान बता दिया कि हाँ हम शैतान है, अपनी शिनाख्ती खुद कर ली। हमने कहीं किसी फोरम पर किसी मंच पर कभी नहीं कहा कि वे शैतान है, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे प्रत्याशी साधु है। हमने तो सावेर के मतदाताओं से निवेदन कराए कि आपके इंतहान की घड़ी है, आप पहचान करिए साधु की और आप शिनाख्ती करिए शैतान की। तो ये काम मतदाता को करने का अवसर ही नहीं मिला, शैतान ने स्वयं की शिनाख्ती कर दी। और एक आखिरी बात, फिर आपके प्रश्नों का जिलाध्यक्ष जी और हम जैसा आप आदेश करेंगे जवाब देने का प्रयास करेंगे। आखिरी बात यह है, उन्होंने FIR दर्ज कराने की मेरे विरुद्ध मांग करी है और मैं भी जिला निर्वाचन से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो मतिभ्रम हो गया है, मैं तो पांडव और कौरवों का अंतर भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पर जिला निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ जांच करे क्योंकि ये मामला इतना सामान्य नहीं है। जो आवेदन उन्होंने दिया है उस पर अगर उमेश शर्मा पर प्रकरण दर्ज कराया जाता है, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने श्री सदाशिव यादव जी ने एक शिकायत निर्वाचन आयोग में भी करी है, पुलिस थाने में भी उन्होंने कंप्लेंट लिखित में दर्ज कराई है और उन्होंने ये मांग करी है कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाना चाहिए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि SC Act इसमें कहां आ जाएगा? अगर श्रीमान प्रेमचंद गुड्डू जी SC से आते हैं तो श्रीमान तुलसी सिलावट जी भी उसी जाति वर्ग से आते हैं, वो आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के बंधु पर वहां चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे राजेश सोनकर जी भी वहां से विधायक रहे हैं और अपने इस विधानसभा सीट का जब से भौगोलिक रूप से निर्धारण हुआ है तब से लेकर आज तक ये SC के लिए आरक्षित सीट है। तो बड़ा हास्यास्पद शिकायत करी है कि SC Act में कार्रवाई की जाए, तो SC Act में तो कार्रवाई नहीं होती है। और जब ये बात हमने उठाई तो उन्होंने तर्क दिया कि हम SC Act उमेश शर्मा और उसके मित्रमंडल के खिलाफ चाहते हैं, FIR उमेश शर्मा के खिलाफ SC Act में होना चाहिए। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं उनसे ये समझना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अल्पबुद्धि व्यक्ति हूँ और सदाशिव यादव जी हो या आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी हो उनका अपना ज्ञान बहुत ज्यादा विस्तृत है, वो तो पांडवों को भी अत्याचारी बता देते हैं। तो हम उस नई महाभारत को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस नई भारत महाभारत में पांडव अत्याचारी कब हो गए, और बड़ा लंबा भाषण है उनका। मेरा बेटे ने तो बहुत छोटा सा मुझे 30-35 सेकंड का ही निकाल के दिया था, तो उनका बड़ा लंबा भाषण है। तो फिर वो आज की PC का विषय नहीं, मूल विषय ये है कि उन्होंने थाने में शिकायत करी है कि ये साधु और शैतान का जो विज्ञापन है ये हमारे खिलाफ है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इस पूरे विज्ञापन में हमने क्या साधु की पहचान चिन्हित करी? हमने ना तो साधु के गुण चिन्हित करे हैं और ना शैतान की शिनाख्ती करी है। हमने तो पहली लाइन में ये स्पष्ट कर दिया है कि ये घड़ी है सावेर के इम्तहान की, ये निर्णय सावेर का मतदाता करेगा कि साधु कौन है और शैतान कौन है। और साधु और शैतान से अभिप्राय ये है कि समाज में पौराणिक काल से सनातन काल से दो तरह की वृत्ति आ रही है, एक तामसी आचरण रहा है एक सात्विक आचरण रहा है, कुछ वृत्ति दुराचारी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।